कामतगिरी पर्वत कैसे बने कांतानाथ भगवान, क्यों लगाई जाती कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा, अयोध्या छोड़ने के बाद कैसे पहुंचे चित्रकूट श्री राम, और जहां राम ने बिताए अपने जीवन के 12 साल, क्या है शक्तिशाली पत्थर का राज, और वो कौन सी जगह है जहां लक्ष्मण जी बिना खाए बिना सोए बिताए 12 साल, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं पहुँच गई हूँ कामतगिरी पर्वत। चित्रकूट धाम त्रेता युग का सबसे मूल बिंदु है। यहाँ पे अनेक मंदिर है, जिसे आप इसे मंदिरों का शहर भी कह सकते हैं। चित्रकूट का प्रवेश द्वार रामघाट, जिसे चित्रकूट का हृदय भी कहा जाता है। तो रामघाट से कुछ दूर पे स्थित है भगवान कांतानाथ का मंदिर। तो चित्रकूट आने पर यात्री सबसे पहले कामतगिरी पर्वत आते हैं, जहाँ पे वो 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यात्री सबसे पहले कांतानाथ भगवान के दर्शन करते हैं। और एक कथा के अनुसार, जब राम जी अयोध्या छोड़ के वाल्मीकि आश्रम पहुंचे थे, तो वाल्मीकि जी उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता दिखाए थे। इसी पर्वत पे प्रभु श्री राम ने लगभग 11.5 साल तक निवास किया था। दर्शन के बाद यहाँ पे मन्नत वाली चुनरी बांधते और अब यात्री प्रथम द्वार से प्रारंभ करते हैं 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा। तो चलिए परिक्रमा करते समय हम जानते हैं जगह के बारे में और भी कुछ। तो परिक्रमा शुरू करने पे पहला मंदिर आता है कामना देवी मंदिर। तो यहाँ पे सबकी कामना पूरी होती है। दर्शन के बाद माथे पे चंदन तिलक लगाकर पूरी उत्साह के साथ यात्री बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने पर और कुछ दूर पैदल चलने पर यात्री पहुंचते हैं प्राचीन अनादि श्री कामतनाथ पूर्वी मुखारबिंद मंदिर। यहां पे कांतानाथ भगवान की मूर्ति है। और यहां से दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखता है राम जानकी मंदिर, जहाँ पे तुलसी जी के हाथ से लिखी हुई रामचरितमानस रखी गई है। कहा जाता है जब राम जी अयोध्या छोड़कर चित्रकूट आए थे, तब वो इसी पर्वत पर 11.5 साल बिताए, और जब वो वापस जाने लगे तो कामतगिरी पर्वत उनके पैर पकड़ के रोने लगे और राम जी से कहा कि हे प्रभु, आपके जाने के बाद मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपके जाने के बाद मैं सिर्फ एक पर्वत बन के रह जाऊंगा, जिसे कोई नहीं जानेगा। राम जी उठाते और कहते हैं, आपको लोग अनंत समय तक जानेंगे। जो कोई चित्रकूट आएगा तो सबसे पहले आपकी परिक्रमा करेगा, उसके बाद मेरे दर्शन करेगा, और आने वाले युग में आपको कांतानाथ भगवान के नाम से जाना जाएगा। जिसकी वजह से कामतगिरी पर्वत को कांतानाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं साक्षी गोपाल मंदिर, और वहाँ पे 9 देवियों की परिक्रमा करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम। इस परिक्रमा का आधा भाग मध्य प्रदेश में और आधा भाग उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण यहाँ की दोनों सरकारों ने मिलकर यहाँ की व्यवस्था में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। गुरु वशिष्ठ के मंदिर से निकलते हम पहुँचते हैं रामायण दर्शन, जहाँ पे राम जी के बारे में सब कुछ दिखाया जाता है और यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट लगता है। कुछ दूर आगे चलते समय पर्वत के बाईं तरफ पे स्थित है लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी आपको जाने के लिए रोपे की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पे आप 150 सीढ़ी चढ़ के भी जा सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी पहुँचने पे सबसे पहले दिखता है लक्ष्मण चौकी, जो 8 खंभों से मिलके बना है, और कहा जाता है यहाँ पे खंभों को गले लगाया जाता है। ऐसा करने से शरीर के सारे दर्द गायब हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मण से मिलने की अनुभूति प्राप्त होती है। लक्ष्मण पहाड़ी पे ही है शेषनाग की माता मनसा देवी का मंदिर। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं शक्तिशाली और चमत्कारी पत्थर, जिसे लक्ष्मण पत्थर कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ पे लक्ष्मण जी की तपोस्थली है और इस पत्थर को 5, 7, 9 में करके रखा जाता है, जिससे आपकी विश पूरी हो सकती है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब बढ़ते हैं उस मंदिर पे, जहाँ पे एक भाई ने अपने त्याग और पश्चाताप का एक महान उदाहरण दिया था। ये वही जगह है जहाँ पे भरत जी अपनी माताओं के साथ प्रभु श्री राम को अयोध्या वापस ले जाने आए थे, और यहाँ पे भरत जी राजपाट छोड़ के श्री राम के चरण को अपने सिर पे लगा के उनके खड़ाओ को गद्दी पे रखा था। और श्री राम जी और भरत जी के मिलने की इस जगह को भक्त आज भी देवस्थल की तरफ पूछते हैं और इस जगह को भरत मिलाप के नाम से जानते हैं। परिक्रमा में चलते समय कई मंदिरों और अखाड़ों को देखते हुए अब पहुंचते हैं श्री रघुवर किशोर राम जानकी मंदिर, जहां पे पहुंचे महान बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। तो यहां पे दर्शन करने के बाद यात्री पहुंचते हैं परिक्रमा के अंतिम छोर पे, जो है बांके बिहारी के मंदिर। यहां दर्शन के बाद परिक्रमा हुआ समाप्त। परिक्रमा के दौरान रास्ते में मार्केट और खाने की बहुत सी चीजें मिलती हैं। फ्रेंड्स, आपको कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा कैसा लगा मुझे कॉमेंट
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो बहुत लोगों से शेयर कीजिए जो भी चित्रकूट आ रहे हैं। और ऐसे ही ढेर सारा नॉलेज भरा वीडियो हम आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे आने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्प करने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।